हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूरियस सीरीज। तो गाइस, आज है हमारे 75 डेज चैलेंज का नंबर 3 डेज। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ बोल देना चाहता हूँ। मुझे पता है आज थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो कल मैं बूट बाहर रख दिया था, ठीक है, और कल रात बारिश हो गई थी। ठीक है, तो जो बूट था वो पूरा गीला हो गया था और बिना बूट के तो कर नहीं सकता। फर्स्ट डे मैं बिना बूट का ही किया था, ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस एक लगता नहीं है और उस हाई लेवल से तुम कर नहीं सकते क्योंकि स्लिप होता रहता है। ठीक है, क्योंकि पूरा घास ही है, इधर तुम देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हेयर ड्रायर पकड़ के आधे घंटा सुखाना पड़ा मुझे। आधे घंटे के बाद मैं निकला तो 6:30 या 6:45 जो आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ उसी टाइम पे निकला, और वो मेरा घर के पास ही है। ठीक है, तो उधर से निकला, उधर से साइकिलिंग किया मैं, गांधी चौक गया। गांधी चौक में एक मूर्ति है, हनुमान मूर्ति। ठीक है, तो मैं अभी 3 दिन से कंटिन्यूसली उधर जा रहा हूँ, ठीक है, हनुमान मूर्ति के पास, और उधर नमस्कार करके मैं आता हूँ। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, करना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो अगर मौका मिलता है तो भगवान के पास जाना ही चाहिए। तो उधर से मैं नमस्कार करके आता हूँ पुन्नागढ़ों को देकर, फिर केल आता हूँ। ठीक है, और आज एक चीज़ क्या हुआ, मतलब थोड़ा लेट में आया, ठीक है, लेकिन आज और एक चीज़ हुआ जो मुझे पहले जान लेना चाहिए था, वो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहाँ से आ रहा था, तो उधर से केल है, देख सकते हो, उधर से पूरा लाइनिंग ऐसे क्रॉस कर करके, ठीक है, इधर आकर इधर से नीचे आ रहा था मैं। ठीक है, नीचे आके इधर आ रहा था। आज क्या पता चला मुझे, वो जो गेट है, ठीक है, गेट के पास भी एक रोड है, इधर से आ सकते हो तुम डायरेक्टली। ठीक है, वो आज पता चला, आज मैं आ रहा हूँ। और एक चीज़ भी क्या पता चला, उधर जो टूटा है ना, दिख रहा है या नहीं पता नहीं, उधर टूट दिया है बेसिकली। ठीक है, बीच में तो उधर से पत्थर है, तो साइकिल तो नहीं जाएगा, अगर उठा सकते हो एटलीस्ट मतलब 100 मीटर उठा के अगर साइकिल ले सकते हो नीचे तक, तो उधर से ना आराम से एक 200-300 मीटर और बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं एक 700 मीटर आ रहा था, 500-600 तो बोल सकते हो, 500-600 मीटर आ रहा था। आज शॉर्टकट पड़ा मुझे एक 200 मीटर, और इधर से आने से पूरा मतलब मैं 500 मीटर मेरा बच जाएगा आराम से। ठीक है, तो कल मैं ट्राई करूँगा आ सकता हूँ या नहीं, अगर आ सकता हो तो वीडियो बना के बोल दूंगा। ठीक है, वीडियो तो बना नहीं सकता, लाने के टाइम पे बोल दूंगा कि आ सकते हो बोल के, लेकिन थोड़ा रिस्की है। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल यही रोड अच्छा है, और आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली 7:15 तो बज चुका होगा, देखो 7:20 बज गया है। ठीक है, लेकिन 5 मिनट तो मैं एटलीस्ट बात कर चुका होगा। ठीक है, तो 7:15 मान लो, और 6:45 को निकला हूँ मान लो, तो एक आधे घंटे का साइकिलिंग कर चुका हूँ। ठीक है, हमारा साइकिल मेरा बहुत प्यारा साइकिल है, क्योंकि खुद के पैसे से खरीदा हूँ ना, तो एक लगाव तो रहता है। ठीक है, और इससे पहले एक साइकिल था मेरे पास, उसमें जो लेवल का मैं गिरा हूँ ना, बोल नहीं सकता। ठीक है, वो मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं देख रहा था। ठीक है, तो जिस लेवल से मैं उस साइकिल से गिरा हूँ ना, वो तो खतरनाक ही है। ठीक है, उससे ही सीखा था, उसके बाद उस साल के बाद है, ज़्यादा भी नहीं हुआ है, मैक्सिमम एक साल हुआ होगा शायद इस साइकिल को। ठीक है, और कंडीशन भी देख ही सकते हो, उतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहा था अभी बीच में। ठीक है, उतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहा था मैं, थोड़ा थोड़ा ही यूज कर रहा था। बीच में 6 महीने या 7 महीने रख चुका हूँ, इसीलिए थोड़ा गंदा सही दिख रहा होगा। ठीक है, गंदा ही हो गया, थोड़ा साफ करना पड़ेगा इसको। तो अभी अभी निकाल रहा हूँ थोड़ा, मतलब कल तो बहुत मुश्किल लगा साइकिलिंग करने में, अलग ख़राब हो गया, लेकिन आज उतना भी मुश्किल नहीं लगा। ठीक है, और पानी भी कम ही पिया हूँ कल से, और पसीना भी कम ही निकला है, लेकिन धूप ज़्यादा है, तुम देख सकते हो पूरा धूप हो गया है ऑलरेडी। तो आज वर्कआउट करने में फटेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि धूप हो रही है, तो थोड़ा लाइट ही पुशअप करना पड़ेगा, मतलब लाइट ही वर्कआउट करना पड़ेगा, इतना भी नहीं इंटेंसिव वर्कआउट करूँगा, लेकिन थोड़ा लाइट, क्योंकि धूप गिर रहा है ना, तो ज़्यादा कर भी नहीं सकते हम लोग। तो आज क्या करते हैं हम लोग, आज एक्सप्लोजन पुशअप्स जो रहता है, ठीक है, जो कल किया था उसका एक 40 रेप कर लेते हैं। ठीक है, और स्क्वाट कितना करे, स्क्वाट एक 60 कर लेते हैं। ठीक है,
हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा वर्कआउट ओवर हो चुका है और ना भी क्या थोड़ा अरे ख़राब हो गया है। ठीक है, बट ठीक ही है, हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर। ठीक हो गया, अभी दिख रहा है साइड। तो ये है आज का बॉडी का शेप। ठीक है, सेल्फी निकालना था तो सेल्फी निकालने से कुछ लोग बोलते हैं एडिट करता है या कुछ भी करता है बोलते। देख लो भाई, आज का बॉडी शेप जो है वो इतना ही है। ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है कि मतलब लेट हो जाता है और जाने का जल्दी होता है तो निकाल नहीं पाता हूँ, बेसिकली आज इतना।